स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हरियाणा में इन दिनों सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड पर नजर आ रही। पूरे हरियाणा में जगह जगह छापेमारी की जा रही। इसी कड़ी में आज अंबाला कैंट में भी सीएम फ्लाइंग के छापेमारी हुई, जिसमें अवैध सट्टे का धंधा करते हुए आधा दर्जन लोगों को पकड़ा गया और जिसमें से 5 लोग मौके से हुए फरार। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास की घटना। हरीश कुमार की अगुवाई में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। सीएम फ्लाइंग की टीम गेट तोड़कर अंदर घुसी और वहीं से लोगों को किया काबू। ऐसा है, मैं SI सुरेंद्र कुमार सीएम फ्लाइंग स्टोर से जी टीम की मौजूद अपने टीम गठित करके हमें सूचना मिली थी, गुप्त सूचना, और उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने टीम तैयार करके यहाँ रेड की थी कि भाई करीब 7 बजे भाई आए। हरीश नाम का बंदा है, उसके उसकी उसकी निगरानी में ये चला जा रहा था अपने ये जुआ घर, और यहाँ पर मौके से हमें यहाँ गेट तोड़ करके इनको बंदों 6 बंदों को यहाँ से मौके से अरेस्ट किया है। खेलते हुए 7,040 रुपये इनसे रिकवरी हुई है। आगामी कार्रवाई हाँ जैसे अफसरों के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कार्रवाई चलती रहेगी। मैं सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और आप तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का मेरे पास फोन आया था कि आपके लिए रेड करनी है। मैं सट्टे पर मैं उनके साथ गया था जी, जब मैं उनके साथ गया तो वहाँ पर हमने रेड किया। वहाँ से 6 आदमी
हमने ताश खेलते हुए पकड़े हैं, उनको हमने कब गिरफ्तार कर लिया, मैंने पर्चा दर्ज कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। ये नाम है नाम छह लड़के छह आदमी है, विनोद कुमार, और जो ये काम है ये हरीश कुमार का है। नहीं, हमने पहले भी हमने कई बार इनके पास रेड मारी है, हमने पर्चे भी दिए हुए हैं, शायद आपकी नोटिस भी ना हो। पूरी तरह से तो वो सतर्क है इस चीज़ के बारे में, अगर आइंदा भी कोई ऐसी कार्रवाई हमारे सामने आई तो हम पूरी तरह से कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल सुरक्षित है, गश्त जारी है हमारी लगातार, हम 24 घंटे खुद ड्यूटी देते हैं। बस स्टैंड हमारा एरिया है, एक सस्टिव एरिया है, और सामने रेलवे स्टेशन है, हर तरह से हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहाँ पर हमारी KURT खड़ी है, PCR है, राइडर है, मैं खुद गश्त करता हूँ वहाँ पर, पता नहीं पहले भी कर रखे हमने, तो आगे भी प्रयास है, पहले भी आगे कार्रवाई की हुई है।